एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ये फैंग की बात सुन के जो फैटी है वो कहता है, अबे तू पागल हो चुका है क्या, गोंग फैमिली के बंदे आ रहे हैं, तू भाग नहीं तो तुझे वो लोग पीस पीस करके काट देंगे या फाड़ देंगे, कुछ भी करेंगे और मेरी बैठने की ऐसी की तैसे, तू भाग यहाँ से पहले। यहाँ पे जो ये फैंग है वो कहता है शांत हो, और वो अपनी ये पावर्स का इस्तेमाल करके एक जगह पे फैटी को बिठा देते हैं। और यहाँ पे फैटी अपने मन में कहता है, भाई क्या पावर है इसके अंदर से निकल रहा है। और आगे अब इसी के साथ यहाँ पे जो गोंग फैमिली के बंदे थे वो भी आ जाते हैं अचानक से क्लास के अंदर। और यहाँ पे जो गोंग फैमिली का गोंग हु है उसे भेजा गया था, और वो आते ही कहता है, यहाँ पे कौन है ये फैंग। क्लास के अंदर हु को देखते ही जो कियांग है वो कहता है, ब्रदर हु उधर देखो खड़ा है ये फैंग। और वो अपने मन में कहता है कियांग, आहा क्या बात है, ब्रदर हु आ चुका है, आज तो कंफर्म है ये फैंग के हाथ और पैर वो जरूर से तोड़ देगा। और फिर उसके बाद जब बाई फैमिली का प्रोटेक्शन ये फैंग के पास से चला जाएगा तो मैं उसके साथ गेम खेलूँगा। और ये सोचते हुए वो हंसी रहा था तभी अचानक से जो फैटी है वो समझ जाती इसका क्या प्लान है, और वो गुस्से से चिल्लाने लगता है कियांग के ऊपर। पर यहाँ पे जो ये फैंग है वो उसको दोबारा से पकड़ के बिठा देता है अपने जगह पे। और यहाँ पे फैटी रोते हुए अपने मन में कह रहा था, भाई क्या पावर है, मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा हूँ इसके वजह से। गोंग हु इस जगह पे ये फैंग को देखने के बाद वो कहता है, ओ तो तुम हो वो बेकार के बच्चे। यहाँ पे ये फैंग भी कहता है, ओ तो तुम लोग वो कचरे हो जिसे गोंग फैमिली ने भेजा है। ये बस सुनते ही जो गोंग हु है वो कहता है, क्या तूने क्या बोला, मैं कचरा हूँ। ये फैंग कहता है, अरे नहीं 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 भाई नहीं, मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम कचरे हो, मैंने बल्कि कहा है तुम और तुम्हारे बंदे लोग पूरे कचरे हैं। और ये बात सुनते ही जो यहाँ पे कियांग है वो अपने मन में कहता है, हैं इसके अंदर इतना मतलब कब से आया, बाई फैमिली इसे प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गोंग फैमिली के बंदे इसको टच भी नहीं करेंगे, ये कितना बड़ा बेवकूफ है। इस बार ये फैंग की बातें सुन के जो गोंग हु और उसके साथ साथ उसके बंदे हैं उन सबके दिमाग सटक जाता है। और यहाँ पे जो गोंग हु है वो बहुत ही गुस्से से ये फैंग से कहता है, अब सुन मैं तुझे दो ऑप्शन देता हूँ सिर्फ, पहला ऑप्शन तुम मुझसे माफ़ी मांगो और साथ ही साथ झुक के मुझे लॉर्ड गोंग कहो, या फिर दूसरा ऑप्शन मैं तुम्हारे हाथ और पैर हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। और यहाँ पे ये फैंग गोंग हु की बात सुन के वो अपनी डिमोनिक आइस का इस्तेमाल करता है गोंग हु के ऊपर, और उसको अपने अंदर एक डीमन दिखाने लगता है। यहाँ पे साथ ही साथ ये फैंग गोंग हु से पूछता भी है, क्या तुम श्योर हो ना तुम जो कह रहे हो उस बारे में। यहाँ पे गोंग हु को ये फैंग के अंदर डीमन दिख रहा था, इसी वजह से वो बहुत ही बड़े शौक से जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। पर फिर भी वो अपने मन में कहता है, ये बस एक इल्यूजन है शांत हो जा। और वो ये फैंग से कहता है, हाँ हाँ मैं श्योर हूँ तुम अभी झुक जाओ। और ये बात तो वो बहुत ही ज़्यादा डरते हुए कहता है गोंग हु। और यहाँ पे जो ये फैंग है वो गोंग हु के बातें सुन के हंसते हुए एक बेंच के ऊपर बैठ के कहता है, ठीक है अब मैं तुझे एक ऑप्शन देता हूँ, तू मेरे आगे झुक जा। ये बस सुनते ही जो कियांग है वो हंसते हुए कहता है, हाँ तुझे क्या लगता है यंग मास्टर हु तेरे आगे झुकेगा। पर यहाँ पे तो ये फैंग ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था गोंग हु और उसके बंदों के ऊपर, इसी वजह से जो गोंग हु और उसके बंदे हैं सब ये फैंग के आगे झुक जाते हैं। और यहाँ पे कियांग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्या हो रहा है। और वो कियांग गोंग हु के पास जाके कहता है, यंग मास्टर गोंग हु उठिए, आप ऐसे कैसे इस कचरे के आगे झुक सकते हैं, उठिए प्लीज़। पर इस जगह पे कियांग के बात सुन के गोंग हु या फिर उसका कोई भी बंदा उठता नहीं, क्योंकि वो सब लोग ये फैंग के कंट्रोल पे थे। ये फैंग भी कहता है, गोंग हु तू यहाँ पे ये फैंग को ढूंढने के लिए आया था ना, तो देख वो तेरे ही पास खड़ा है। और ये बात तो वो कियांग की ओर इशारा करते हुए कहता है। अब यहाँ पे जो गोंग हु और उसके बंदे हैं वो सब तो ये फैंग के कंट्रोल में थे, इसी वजह से वो सब लोग मिल के कियांग की ओर बहुत गुस्से से देखने लगते हैं। और यहाँ पे कियांग कहता है, यंग मास्टर आप ठीक है ना, ये फैंग ज़रूर से कोई गेम खेल रहा है हम लोगों के साथ। और यहाँ पे ये जो गोंग हु है वो कुछ भी सुनता नहीं कियांग की बात, और वो सीधा कियांग के मुंह पे एक पंच मार देता है। यहाँ पे कियांग को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, पर उसको जब समझ में आता है ये लोग सब मिलके उसको आज फोड़ने वाले हैं, तो वो कहता है, ए कोई मेरे पास मत आना कोई भी नहीं। पर यहाँ पे गोंग हु और उसके बंदे कहाँ सुनने वाले थे, वो तो ये फैंग के कंट्रोल पे थे, और उनको अभी पता है एक जो कियांग है वही ये फैंग है। और ये सोच के वो लोग यहाँ पे मारने लगते हैं बहुत ही ज़्यादा कियांग को। और यहाँ पे जो ये फैंग है वो भी बहुत हंस रहा था कियांग के ऊपर। और यहाँ पे ये फैंग का जो फ्रेंड फैटी है
वो भी बहुत ही बड़े शौक में था कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। और जो दूसरे स्टूडेंट्स है वो लोग कियंग को मार खाता हुआ देख वो लोग कह रहे थे अब इस कियंग ने कब गोंग हू को अफेंड किया है। और आगे अब इसी तरीके से जो गोंग हू है वो कुछ देर तक कियंग को बहुत अच्छे से पीटता है। उसके बाद वो अपने बंदों को लेके क्लास से चला जाता है। गोंग हू के यहाँ से जाने के बाद जो फैटी है वो ये फेंग से कहता है, ये फेंग तुम क्या हो, तुम इंसान हो या फिर एक घोस्ट। ये बात सुनते ही जो ये फेंग है वो हंसते हुए एक फैटी से कहता है, फैटी तुम किस बारे में बात कर रहे हो हाँ, और वैसे तुम यहाँ पे एक बात गलत हो, मैं इंसान नहीं ना ही मैं घोस्ट हूँ, मैं तो डीमन हूँ। ये फेंग ये जो डीमन वाली बात है ना वो बहुत धीरे से कहते हैं, इसी वजह से कोई यहाँ पे ठीक से सुन नहीं पाता। और जो कियांग है वो इतना ज़्यादा मार खा चुका था, वो गिरते पड़ते किसी तरीके से क्लास के बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और उसी टाइम पे जो टीचर है वो भी क्लास में एंट्री मारता है। टीचर कियांग की इस हालत को देख के वो भी टेंशन में आके कियांग से कहता है, अरे कियांग क्या हो गया तुम्हें। यहाँ पे कियांग कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस बुरा फील कर रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। और टीचर भी कहते हैं ठीक है, और वो भी यहाँ पे अपने क्लास करने के लिए जाने लगता है। तभी अचानक से जो ये फेंग है वो टीचर को देख के अपनी डिमोनिक आइस का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पे जो ये फेंग है उसको डिमोनिक आइस यूज़ करने के वजह से टीचर के आसपास उसे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी दिखने लगता है। और यहाँ पे ये फेंग समझ जाता है ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सिर्फ टीचर के ब्लड के वजह से आ रहा है। ये फेंग टीचर को देख के यहाँ पे अपने मन में कहता है, काश अगर मुझे किसी तरीके से टीचर का थोड़ा सा भी ब्लड मिल जाए ना स्पिरिचुअल, तो मैं इससे ब्लड डिमोन पिल बना सकता हूँ। और अगर मेरे पास ये ब्लड डिमोन पिल होता है तो मेरे पास एक तरीके से एक एक्स्ट्रा लाइफ भी होगा। और इसी के साथ अचानक से ये फेंग एक चीज़ और नोटिस करते हैं, टीचर के पास एक मच्छर घूम रहा है। ये चीज़ देख के ये फेंग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और यहाँ पे जो टीचर है वो भी पढ़ाते पढ़ाते ये फेंग के पास से ही जाने लगते हैं। तभी अचानक जो ये फेंग है वो बहुत ज़ोर से टीचर के पीछे मारता है। इसी वजह से यहाँ पे जो टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो तेज़ी से पीछे देखते हुए ये फेंग से कहता है, ये फेंग बेवकूफ तू पागल हो चुका है क्या। यहाँ पे ये फेंग कहते हैं हंसते हुए, नहीं नहीं टीचर नहीं, आपके तो पीछे बस एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिमोनिक मॉस्किटो घूम रहा था और इसी वजह से मैंने इसको मार दिया। और ये बस सुनते ही जो टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है ये फेंग के ऊपर। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो बस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो पे, अभी के लिए बाय बाय।